डायरेक्टर वगैरह देख रहा हो तो भाई सुन लेना बात। बढ़िया, आपसे बढ़िया लग रहा। अरे कोई मैम नहीं भाई, मेरा वाइफ है यार। ये लिखा हुआ है, वेलकम टू सिलचर एसजे व्लॉग्स एमटीवी मधुर। आप पलंग पे लेटे रहोगे और फिर ऐसे पैर चलाओगे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलचर। तो यार बात कुछ ऐसी है कि अपने घर जैसी है। नॉर्थ ईस्ट राइड चल रही है, नॉर्थ ईस्ट राइड पे आज हम हैं हम लोग सिलचर में। तो सिलचर हम लोग क्यों पहुँचे, उसका रीज़न ये है कि भाई जब आप त्रिपुरा जाते हो, जब आप मेघालय जाते हो, तो नागालैंड जाने के लिए आपको घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश तो आप जा नहीं सकते हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, तो जब आप घूम के जाते हो तो आपको सिलचर होते हुए ही आपको मणिपुर और नागालैंड वगैरह जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग हैं सिलचर में। हम लोगों को यहाँ से निकलना था सिलचर से आगे इम्फाल की तरफ, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि दिखाएं, देख लो यहाँ पे हो रही है बारिश। सो यहाँ पे कल रात से ही बारिश इतनी तेज़ हो रही है और अभी तक हो रही है, सुबह का बज रहा है 11:30। तो आज हम लोग सोच रहे थे कि कहीं निकल जाते इम्फाल की तरफ, लेकिन बारिश ने काम ख़राब कर दिया है। 3-4 दिन से कंटिन्यू, जब से हम लोग राइड कर रहे हैं अगरतला से कंटिन्यू भाई ऑफ रोडिंग मिल रही थी। इतना धूल धड़ाका भाई साहब, बंजर सब ढीले हो चुके हैं अपनी धनों के। तो हम सोच रहे थे कि उसको भी सही कराते, लेकिन बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते और बाइक भी ठीक नहीं करा सकते, लेकिन कराना आज ही है, कराएँगे। तो आज रेस्ट डे भी रहेगा और बाइक भी सही कराएंगे, दोनों ही। थोड़ा सा बारिश कम होती फिर। तो ये हमारे होटल की गैलरी, सो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम ठुकेंगे। यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं और एज़ यूज़ुअल हमारा जो रूम है मेसी है, वेरी मच मेसी। तो बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या करना है। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। A few moments later. तो सिलचर में हम लोग रुके हुए हैं और एक स्टोरी हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी कि भाई करंट लोकेशन हम लोगों की कहाँ पे है, वो सिलचर। और यहाँ पे स्टोरी अपडेट करने के मुश्किल से आधे घंटे बाद ही सर आए हुए, मैम आए हुए, यहाँ पे दो भाई हैं, यहाँ पर भी दो भाई हैं और लाइट चली गई है। ये फ्लैश लाइट है। अरे रुक जाओ, अभी आ जाएगा। चलो, लाइट आ चुकी है और सबके चेहरे दिख रहे हैं। तो एक एक करके सभी के नाम पूछते हैं और कहाँ से आए वो ये पूछते हैं। तो सर सुरजीत विश्वास, सुरजीत नागिरपट्टी थी। अच्छा मैम। माया विश्वास, नागिरपट्टी से आए हैं। अच्छा, हम राजेश सिंह हॉस्पिटल रहे हैं। भाई हम तो दुधपातिल से आए, शुभजीत नाथ। अच्छा, और मेरा नाम है बिकी, हम कॉलेज रोड से आए हैं। मैं भी कॉलेज रोड से, भाई से मिलने। भाई इसको मैं बताना चाहूंगा, ये जो है भाई थोड़ा सा, हाँ ये जो भाई साहब, क्या नाम है अपना? रजत। ये तो भाई साहब इतने ज्यादा फैन है शुभम भाई के, क्या ही बताया जाए। एक भाई है यहाँ पे जो लेके आए थे सम्मान करने के लिए, वो क्या बोलते हैं? उत्तरी। उत्तरी, पूरा दर्शन हो जाता है, पूरा इंडिया का दर्शन हम कराते हैं। तो बस अभी यहीं पे हम लोग बातें वातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप लोग आए। और आप सर है 54 एज, मतलब एज ग्रुप हम लोगों के लिए अच्छा। तो मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग भी 54 या 55 या 60s में रहें, तो इन लोगों के जैसे ही एकदम मोटिवेटेड, एकदम एनर्जेटिक, ताकि और ज्यादा राइड कर पाए। मेरा सबसे बड़ा टेंशन यही है कि उस टाइम राइड कर पाएंगे कि नहीं। तो राइड वगैरह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ये पैशन तो फॉलो करना है। कैसे, भले ही हम लोग वीडियो में देखें, हम लोग भगवान से दुआ करेंगे कि भैया और भी आगे तक जाए, 54 क्या 100 इयर्स तक राइड करें। अरे भाई राइड ही करते रहे भैया। और 100 इयर्स पे राइडिंग जानते हो कैसे होती है? आप पलंग पे लेटे रहोगे और फिर ऐसे पैर चलाओगे। फिर भी कोई बात नहीं,
नहीं, वो भी 15 सेकंड की भी वीडियो होगा तो फिर भी हम देखेंगे, हम देखेंगे, हमको आलसी नहीं लगेगा। गाइस अभी तक नहीं आई है, देखो मेरी नर्स अभी तक नहीं आई है, डॉक्टर यहाँ है। ओ भाई चलो बढ़िया है, थोड़ा सा ये मोटिवेशन भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये एमटीवी मधुर, एमटीवी मधुर का दे दिया भाई को। अच्छा आपके लिए सर एक ये आपके लिए और आपके लिए भी चाहिए क्या? ये भी तीन ही बचा हुआ है। नहीं नहीं अभी है, तो सभी के लिए मेरी तरफ से एक जो गुडीज है हम लोग लेके चले थे, ये सर आपके लिए। थैंक यू। और मैम थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक यू। और सर को दे दिया ऑलरेडी, बस अभी हम लोग बातें आते करेंगे और बस ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. So, जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में बताया था और लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हम लोगों का कारमा बनता जा रहा है, और असम से भाई साहब इतने लोग हैं। हेलो हेलो तो आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाओगे? हाँ बेस्ट होगा, पूरे फ्रेम में सभी लोग अच्छे से आ रहे हैं। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, चलो सभी लोग आ चुके हैं। तो ये आसाम की दूसरी स्लॉट। वेलकम टू सिलचर गाइस, वेलकम टू सिलचर, थैंक यू सो मच। और सभी लोग एक एक करके एक बार अपना नाम। हम विश्वजीत, शुभंकर, कुणाल, रातुल, कंचन, विधान, शुभम और केसर। केसर केसर, ये तो भाई आज सुनने का तो केसर नाम है। मैं सच नहीं, मैं सच बताऊं ना, ऐड की याद आ जाती है, बोलो जवाब कैसे ना। सॉरी यार, का बुरा ना लगे भाई। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बाकी करते हैं बात इन लोगों से और मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। 4 hours later. तो अभी यार हम लोग हैं होटल में, जाहिर सी बात है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग निकले थे 12:30 बजे और अभी फिर से हम लोग होटल में ही है। चक्कर ये हुआ कि बहुत सारा काम हम लोग करके आए हैं और ट्रैकिंग बैग का रेन कवर नहीं था, वो भी हम लोग जुगाड़ से कुछ पन्नी उन्नी लगवा के और उसको त्रिपाल समझ लो, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छा नहीं लगता है लेकिन दिखाएँगे वो भी। और दूसरी एक चीज़, बाइक में भी कुछ काम कराना था वो भी करा लिया, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने कैमरा नहीं लिया था। बाकी जैसे हम लोग होटल में आए हैं और यहाँ पे एक हमारे भाई साहब हैं, ये मिलने के लिए आए थे। क्या नाम है भैया आपका? रंजन दास। रंजन दास, और ये आए हैं 15 किलोमीटर दूर से, रंजन दास सिकड़ी जगह पर, सिलकुड़ी, सिलकुड़ी, सिलकुड़ी मतलब सिलगुड़ी और जलपाईगुड़ी इसी टाइप से सिलकुड़ी। तो यार थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, आपके लिए मैंने गिफ्ट दे दिया है ऑलरेडी, मिल गया होगा। सो मिलने का सिलसिला जारी है सिलचर में मीटअप का, और यहाँ पे फिर कुछ भाई लोग, दो तीन भाई लोग हैं, बाकी तो ये सारे लोग सुबह से थे। अरे आप लोग सबके सब भाई लोग, सबके सब भाई लोग हैं, बहन लोग कोई नहीं है। सुबह भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ, चलो आइए। सुपरस्टार बीच में आइए सर। अरे नहीं सुबह ठीक है ठीक है, आ रहे हैं ना सारे? हाँ अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन तीन भाई लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पे। सौरभ, सोमेंद्र, सुमेंद्र, मैं सुमित्र, सुमित्र, आप विश्वजीत, वो नमस्ते वाला रातुल, रातुल हाँ, शुभंकर, हाँ, हाँ। शुभंकर। तो यहाँ पे भाई लोग लेके आए हैं कुछ एक केक, और देखते हैं उस पर लिखा क्या है। ये लिखा हुआ है वेलकम टू सिलचर एसजे व्लॉग्स एमटीवी मधुर। क्या बात, भाइयों को थैंक यू सो मच, भाइयों को थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। केक काटेंगे आज की रात, केक काटेंगे, भोलेनाथ सबके साथ, केक काटेंगे आज की रात सबके साथ। क्या बात, तो चलो केक काटते और खुशियाँ बांटते हैं बस। खुशियाँ बांटते रहो, सबको बांटो और बांटते रहो। केक कटने का सब में बटेगा, चलो काटते हैं। आओ ना पकड़ो ना, पकड़ो सब, आप क्यों शर्मा रहे हैं? चलो चलो हैप्पी बर्थडे, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छे से अच्छे से,
happy India ride to the FJ sir and Madhur bhaiya. अब ऐसा काटते हैं कि खा पाए. रुको, इसका पोस्टमार्टम हो जाता है. एक चीज बताऊं, मेरे टेंथ को बर्थडे. ओह माय गॉड, इस फ्राइडे. इस फ्राइडे ये भाई एडवांस को 10 दिसंबर भाई एडवांस में मेरा हैप्पी बर्थडे. थैंक यू मेरी जान. तो सबसे पहले अपकमिंग बर्थडे पर का अभी तक मैं सोच रहा था अभी ऐसे कुछ ना हो. हैप्पी बर्थडे भैया, ये बाद में एडिट करके डाल देना. इनको बड़ा वाला देना, बड़ा वाला लगेगा. ये बात नहीं कि पूरा केक ही देना है, छोटा वाला इधर. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये आप शांत खड़े रहो. हां बस ये बड़ा. बाप रे, इसको ब्लॉक इनको, इसको साइज के हिसाब से ये होगा क्या? ये खाया जाएगा इनका साइज के हिसाब से. ये ठीक है. चलो चलो तुम भाई अंदर से शुभम भाई. थैंक यू सो मच सभी लोगों को. और एसजे भाई कुछ बोलना चाहोगे लोगों के लिए? बोल दिए. एसजे भाई के गले में कुछ फंसा हुआ है. थैंक यू. क्या खराब से फंसा हुआ? थैंक यू सो मच सिलचर. थैंक यू सो मच सिलचर. आइएगा वापस फिर से. बिल्कुल, मिलते हैं थोड़ी देर में. A few moments later. Thank you, भाई साहब. Thank you so much. Thank you. ये भाई साहब भाईचारा देख रहे हो आप लोग, मतलब जब से यूपी और यूपी और असम का, असम से यूपी और असम का ये भाईचारा है. और भाई का नाम है राजा दास और ये है जिरी घाट से. तो सिलचर से करीब करीब 45 किलोमीटर दूर है. और कल इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं वीडियो कॉल के थ्रू. और इनको मैंने मना किया था क्योंकि हम लोगों को उसी रूट पे इम्फाल जाना है, तो वापस इधर क्यों आना. तो हम लोगों ने बहुत मना करने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं माने. और आज ये वापस उल्टा ही चल के 45 किलोमीटर दूर हम लोगों को मिलने आए हैं और हम लोगों के लिए कुछ लेके भी आए हैं. वैसे तो भाई का प्यार ही बहुत कुछ है, लेकिन भाई प्यार से कुछ और भी लाए हैं. मधुर भाई खोलो ज़रा. ओके काजू कतली. तो ये है अनमोल काजू कतली. क्या बात, क्या बात है. थैंक यू सो मच राजा जी. 1 hour later. तो शुभम भाई, हाँ भाई, मिलने का सिलसिला जारी है जारी और मीटअप का सिलसिला जारी है. जैसे जैसे लोग मिलते जा रहे हैं कारवां बनता जा रहा है. और हमारे साथ में दो भाई हैं. एक आपको इंट्रोड्यूस मैं करा चुका हूँ. करा चुके हैं. हाँ. मतलब मैं आपको तंग करने के लिए फिर आ गया. नहीं नहीं, तंग करने के लिए नहीं. एक्चुअली ये हमारे लिए डिनर लेके आए हैं और इनके साथ में आए हैं एक मैम. अरे तो, कोई मैम नहीं भाई, मेरा वाइफ है यार. ये है सर की वाइफ है. सर हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए, तो खोलते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं क्या है. मैं पकड़ू? आप पकड़ लीजिए या कोई भी पकड़ ले. मेरे को लगा कि ये आपका फेस थोड़ा छोटा है तो. सॉरी सर को इंट्रोड्यूस करा दो जरा. उधर 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 उधर. हाँ. भाई को आप नाम बताओ. मेरा नाम राजू दत्ता है. राजू दत्ता, आप बताओ फिर. मेरा तो पता है विधान. विधान, विधान. एक और एक कोई आया था जिनका नाम विधान. विधान था. तो चलो एक ये खोलते हैं. सर की तरफ से हम लोगों को एक गिफ्ट मिला है और राजू स्टाइल. राजू स्टाइल सही बैठा क्या? एकदम पूरा बढ़िया. आपसे बढ़िया लग रहा वो होता है दूसरे का, दूसरे का खराब ही लगता है. दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है. सही है सही है. तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट में लिख के. और भाई को ना क्या होता है कि हम सोच रहे हैं भाई को लॉन्च करें बॉलीवुड में, वो भी 2020 में, 2020 में. डायरेक्टर वगैरह देख रहा हो तो भाई सुन लेना बात है ना. सही. तो चलो थैंक यू सो मच विधान भाई भाई आने के लिए और तो ये गिफ्ट लेने के लिए. मेरा अपना छोटा भाई तो है नहीं, मैं मेरा माता पिता एक ही बेटा हूँ. तो आप लोग ही तो हो मेरा. अरे कौन है दिल से भाई, इतना बस
दिल बाहर आ जाएगा मेरा नहीं मुंह ज्यादा बड़ा होगा तो बाहर आ जाएगा, मुंह छोटा कर लो शुभम भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। एक बार अपना आप कहां से कम हो भाई, बेंगलोर में आप कहां से कम हो? अरे भाई हम तो छोटे मोटे, इसको पहनो ना दोनों राजू भाई बनते हैं फिर हेरा फेरी उससे धराते आए हैं। अब लग रहा है सही, ठीक है, बढ़िया चश्मा है, थैंक यू सो मच सर। और इसको निकाल के जल्दी से रख देते क्योंकि गिफ्ट है सर, लेके आए हैं हमारे लिए डिनर। मत बोलो भाई, बोल रहे यार। तो भाई हमारे लिए लेके आए डिनर। सुबह से शाम तक हम लोगों का मीटअप ही चलता रहा, मीटअप ही मीटअप, मतलब कितने सारे लोग मिले हैं आज शुभम भाई, बहुत ही ज्यादा। और जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो मिलेंगे जरूर, कभी ना कभी तो मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट की अगली बार भी मिलते गए कारवा बनता गया तो और सारी चीजें पॉसिबल किनके वजह से, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो यार बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, और आज डिनर वगैरह भी हुआ, अंकल आंटी ने खाना भी वगैरह भी लेके आए थे, वो दादा और भाभी, दादा और भाभी, और एक भाई साहब और भी थे जिनका नाम था क्या, हैप्पी विधान। हैप्पी विधान अगर आप लोग देख रहे हो तो ये आपके लिए, थैंक यू सो मच दादा और भाभी, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। बस अब इस कारवा को अब यहीं पे एंड करते हैं, और दूसरे लोगों से मिलेंगे, दूसरा कारवा बनाएंगे दूसरे प्लेस पे कारवा बनाएंगे। अब इसी ब्लॉग को अब करते हैं एंड, और whatsoever reason, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक MTV मधुर चैनल YouTube ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सिलचर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सस्त्रीकाल, बाय बाय।